कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर मेकअप लुक के। समर में हम किस तरीके का मेकअप कर सकते हैं। समर में बहुत ही हमें ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, बहुत ही कम मेकअप करके हमें निकलना है। जैसे कि पैंडेमिक चल रहा है तो हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें कहीं बहुत जल्दी जल्दी में जाना हो, समर्स में मेकअप करने के बाद जो पसीने से सारा मेकअप बह जाता है, वो सबसे वर्स्ट वाला एक्सपीरियंस होता है। तो आज मैं ये जो मेकअप आप मेरे फेस पर देख रहे हो, ये मैंने स्पेशली क्रिएट किया है समर्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि क्विक से होने वाला मेकअप है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये मेकअप आप करके अपने घर से बाहर निकले, तो डेफिनेटली मेरे इस वीडियो को वॉच करिए और पूरा वॉच करिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा। और आप देख सकते हैं कुछ नया सा मेरे इस बैकग्राउंड में दिख रहा है, बिकॉज मैंने ये परचेज किया है और इसे मैंने एज अ अपना वीडियो के लिए यूज़ किया है। अगर आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसका मैंने एक रिव्यू वीडियो किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या तो फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है, मेरे बिल्कुल ही साइड में रखा हुआ। तो स्पेशली मैंने अपने वीडियोज़ के लिए लिया है, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा सुना लगता, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा एक डेकोरेशन दे देते हैं। तो एक ये होम डेकोर टाइप मैंने चीज़ ली थी, जो कि मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया और मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को मेरा लुक अच्छा लग रहा है, समर्स स्पेशल मेकअप लुक है ये। समर्स में हमें ज़्यादा मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो सारा बह जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा मेकअप करना है जो कि लंबे समय तक टिका रहे और बहुत ही दिखने में भी नेचुरल लगे, अच्छा लगे, टूई टाइप लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मेकअप लुक को क्रिएट करना, तो मेरे वीडियो में आगे जाइए। सो यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे स्किन केयर। स्किन केयर में यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो लिया है, ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑल स्किन टाइप ऑल सीजन में चल जाता है। और उसके बाद जो कि सबसे स्पेशल है, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यहाँ पे मैंने लिया है लैक्टो कैलामाइन का सनस्क्रीन। सारे प्रोडक्ट का लिंक्स आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपने लिए एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और विज़िट करके देख सकते। अच्छी तरीके से स्किन को प्रेप करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। मेकअप में सबसे पहले यहाँ पर लेंगे प्राइमर। बेसिकली प्राइमर चाहिए, ये NYBA का जो प्राइमर है, बहुत ही अफोर्डेबल और बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत लोगों को प्रिफर करती हूँ ये प्राइमर, अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छा भी है। अच्छी तरीके से इसे हम अपनी पूरी स्किन में लगा लेंगे। उसके बाद हम मैंने लिया है NYBA का CC क्रीम, क्योंकि फाउंडेशन नहीं लगा सकते राइट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए CC क्रीम, BB क्रीम, इस टाइप की क्रीम ही आप लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चालू है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगाना स्टार्ट किया है, बट वो फिंगर्स इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है, जो कि ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। फिंगर से इतना अच्छा नहीं हो रहा था, मुझ ब्रश से यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, बिकॉज़ हमारे मेकअप को सेट करना कॉम्पैक्ट पाउडर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिनिश देता है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। अच्छी तरीके से हम पूरे फेस पर लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने अफोर्डेबल में लैक्मे का आईलाइनर। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है मेरे आईब्रो को शेप देने के लिए, बिकॉज बिना शेप की आईब्रो की मेकअप तो होती ही नहीं है। बहुत ही अच्छी आईब्रो बनती है इस आईब्रो पेंसिल से, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मस्कारा। मैं फेक लैशेस इतना नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं ऑलवेज़ मस्करा ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज फेक लैशेस क्या ही लगाएंगे अभी इतनी गर्मियों में। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मेरा सुपर डुपर अफोर्डेबल NYBA का काजल, जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है इसका, अफोर्डेबल में इतना अच्छा है ये काजल, मैं आपको बता नहीं सकती, जितने भी लोग लगाते हैं उनको पता रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अपने चिक्स को ब्लश करने के लिए यहाँ पर ब्लू हेवन की कैंडल लिपस्टिक। इसे मैं एज अ चिक ब्लश भी यूज़ करूँगी, और तो और मैं इसे एज अ लिपस्टिक भी यूज़ करूँगी। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है ब्लू हेवन की कैंडी की तरफ से, बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है, बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत अमेजिंग ब्लू हेवन की है। शेड इतना प्यारा है रेड कलर का, बहुत ही प्यारा शेड है।
तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे फाइनल लुक किस तरीके से लग रहा है। मैंने यहाँ पर पूरा जो लुक अचीव किया है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में ही अचीव किया है। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। होप आप लोग इसे ट्राई करेंगे, स्पेशल समर मेकअप लुक जो कि कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस घंटे को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप उस घंटे को बेल को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको आने वाली मेरी वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मतलब कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके और बहुत ही फटाफट से मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, बिगनर्स हो या फिर कोई के घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन भी है तो भी आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया।